जहां तक वही अल्लाह का बंदा आ सकता है जिसके पास नक्शे सुलेमानी हो। अरे मुकर्रम नासिर दरवेश, बंदे अल्लाह वो चांदी की तख्ती पर लिखा हुआ इजाजतनामा दिखा। दिखाओ मेरे आका, दिखाओ चांदी का हुक्मनामा, दिखाओ। अरे मेरे आका ये देखो, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए खजाना सुलेमानी के तलबगार, हमारा काम पूरा हुआ, अब तू नक्शे सुलेमानी के साथ दरवाजे को हाथ लगाएगा तो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा और अंदर जाकर जितनी भी दौलत चाहिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी लेना चाहे ले लेना। नेक नियत दरवेश, ये याद रखना, सुबह होने से पहले तू बाहर आ जाना, सूरज निकलते ही ये दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाएगा और तुम उसमें हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। शुक्रिया मेजबान जिन्नात, तेरा शुक्रिया। चलो जमाल, महले सुलेमानी की तरफ चले, आओ जमाल, जमाल बरखुरदार जमाल, उठो जल्दी करो, हीरे जवाहरात सोने चांदी से बोरी भरो, जल्दी करो बोरियां भरो। अरे तुमने मुझे उठा दिया, मैं तो दौलत के दरिया में सो रहा था। है मेरे अमीर आका दरवेश, तू रो रहा है, तेरी आंखों में आंसू कैसे? ये खुशी के आंसू है जमाल। क्या? ये आंसू खुदा का शुक्र अदा करने के लिए आंखों से बाहर आए। जमाल जल्दी करो, दौलत भर लो, दौलत और वक्त किसी का इंतजार नहीं करते। हाँ। सुबह होने से पहले हमें ऊंटों की चारों बोरियां भर लेनी चाहिए। हाँ। जल्दी करो, चलो। हाँ, ठीक है, तुम यही रुको, मैं बोरियां लेकर आता हूँ। पहली बार देखा, जल्दी करो जमाल, जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो जमाल, अरे हाँ
हाँ ये चलो चलो जमाल 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 ये लो 1500 शर्फियाँ ये लो ये क्या है ये लो 1500 शर्फियाँ और जितनी भी दौलत अपनी जेबों में भर सकते हो भर लो और ये सब दौलत तुम्हारी है ये मेरी अमानत है इसमें से कुछ नहीं दूंगा नहीं दोगे अच्छा जमाल जल्दी करो बाहर निकलो जेब में भर लो जमाल जल्दी करो बाहर निकलो होशियार खबरदार सूरज निकलने वाला है जल्दी से बाहर निकलो वरना दरवाजा बंद हो जाएगा जल्दी से बाहर निकलो दरवाजा बंद होने वाला है बाहर निकलो अरे चलो नहीं जाऊंगा यहाँ से ये सब दौलत लेके जाऊंगा ये सब दौलत मैं लेके जाऊंगा बहुत होगी दौलत अब और लालच मत कर वरना तुम्हारे साथ मैं भी मर जाऊंगा जमाल अगर मैं मर गया तो मेरे नेक मकसद का क्या होगा उसे भी मौत आ जाएगी जमाल जमाल जल्दी करो यहाँ से बाहर निकलो जमाल सुबह होने वाली है एक शोर पर चलूंगा हाँ क्या जल्दी बोलो अगर वो बाहर जो चार उठ खड़े है ना अशर्फियों के बोरों से भरे हुए उनमें से अगर एक उठ तो मुझे दे दोगे एक उठ तो मैं चलूंगा हाँ बोलो मंजूर है हाँ हाँ जमाल मैं तुम्हें दे दूंगा जल्दी करो दरवाजा बंद होने वाला जमाल ठीक है जल्दी करो दरवाजा बंद होने वाला है जल्दी करो जल्दी बाहर निकलो اے امیر المومنین میں بہت خوش تھا کہ مجھ بدنیت نے اس نیک نیت سہرائی درویش کی مجبوری سے بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا اور ہیرے موتیوں سے لدا ہوا ایک اونٹ میں نے اسے لے لیا مگر گزرے ہوئے دنوں میں برے دوستوں کی بری صحبت میں آ کر جوا کھیلنے اور شراب پینے کے لیے دولت کی ضرورت نے مجھے کمینہ گناہگار بدکار چور اور بے انتہا لالچی مطلبی پتھر دل انسان بنا دیا تھا اور میرے دل میں مفت کی دولت حاصل کرنے کا لالچ بڑھتا ہی گیا کیونکہ میں نے اپنے دل اور دماغ سے سب اچھے خیالات نکال کر وہ جگہ شیطان کو دے دی شیطان ہر وقت میرے دل اور دماغ میں رہتا تھا اس لیے شیطان مجھ سے کہتا تھا کہ اس نیک نیت اللہ کے بندے درویش کو مار ڈال اور بے شمار دولت سے لدے ہوئے باقی کے تین اونٹ بھی لے لے مگر میں کچھ باتوں میں شیطان سے دو ہاتھ اور چار قدم آگے ہی تھا میں نے شیطان کو سمجھایا ابھی نہیں اگر سہرائی درویش میرے مانگنے پر مجھے اور دولت نہیں دی تو پھر میں درویش کو مار ڈالوں گا اور اس دولت سے شہر میں بڑے عالی شان جوئے کھانے اور شراب کھانے بنواؤں گا اور ناچنے اور گانے والی عورتوں کے لیے شیشے کے ناچ گھر بنواؤں گا اور اپنی عیش گاہ کے لیے شراب کی ایک ایسی نہر بنواؤں گا جہاں پر شرابی پیمانے بھر بھر کر مفت میں شراب پیئیں گے پیمانے کے دیوانے فقیر یہ بتا خزانہ سلیمانی سے جو دولت تو نے اپنے لباس کی جیبوں میں بھری تھی ان ہیرے موتیوں کا کیا ہوا کیا ہوا کیا بتاؤں ان ہیرے موتیوں کے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کیا واقعہ ہوا
मैंने और दरवेश ने जब एक दरिया के किनारे रात गुजारने के लिए खेमा लगाया तो मुझे बिंतुल बहर यानी जल पड़ी नजर आई। जमाल, बरकुदा जमाल, पानी में न जा, ये तिलिस्मी पानी है। खामोश जमाल, अहमद जमाल बेवकूफ, मेरी बात सुन। अरे वो हीरे मोती देकर जा, देख मुझे खामोश ना कर जमाल। खामोश रहो, हर वक्त अपनी नसीहत देते रहते हो, ये वक्त तुम्हारी नसीहत सुनने का नहीं है, ये वक्त तफरी करने का है। तफरी जमाल, जमाल मेरी बात सुन। इतनी सारी खूबसूरत परियां, ये सब मेरे लिए है। यही है वो मलिका याबी। इसी का इंतजार था ना? मेरा इंतजार? हाँ ए आदमजाद, हमारे मुखबिर जिन्नातों ने हमें खबर दी थी कि तू और तेरा साथी दरवेश खजाना सुलेमानी से नायाब हीरे मोती लेकर आ रहा है। खजाना सुलेमानी के नायाब हीरे मोती जो तेरे लिबास में हैं, वो हमारे लिए बहुत ही मुकद्दस हैं, ए मुसाफिर। नहीं, मैंने हीरे मोती अपनी जान की बाजी लगाकर बड़ी मुश्किल से हासिल किया है, मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। इधर नहीं देगा, अगर नहीं देगा तो हम जबरदस्ती छीन लेंगे, तू कुछ नहीं कर सकेगा। ला ए हीरे मोतियों के मुसाफिर, ला हमें दे दे। नहीं, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तुम्हारी एक एक बोटी मगरमच्छ और मछलियों को खिला देंगे, मगरमच्छ और मछलियां बोटी कबाब खाकर खुश हो जाएंगी कि बहुत दिनों के बाद। कि बहुत दिनों के बाद तंदुरुस्त आदमजात की बोटियां खाने को मिली। नहीं नहीं, ऐसा मत करना बड़बड़ भाई, ऐसा मत करना। ऐसा करना ही मेरा काम है मेरे छोटे भाई। ए हसीन दोशीजा, तुम मुझे यहाँ फंसा कर लाई हो ना? लेकिन लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। मर जा ए हुस्न परस्त आशिक, तू तो हुस्न पर हमेशा ही मरता आया है ना, आज हकीकत में मर जा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें और हीरे मोतियों का पता बता सकता हूँ। हाँ, खजाना है सुलेमानी से भरे हुए चार ऊंट है चार। मैं तुम्हें बताता हूँ, आओ चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ में। बताने का शुक्रिया है मुसाफिर, बताने का शुक्रिया, लेकिन हम पानी से बाहर नहीं जा सकते, ये पानी ही हमारी सरहद है। ला वो नायाब हीरे मोती हमें दे दे। दे हीरे मोती। देता हूँ, देता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। ऐ रहम दिल मलिका, मुझ पर रहम कर, मेरी जान बख्श दे। मैं तुझे और तेरे इस जालिम दल्लात को उम्र भर दुआएं दूंगा। मैं मरना नहीं चाहता,
मैं मरना नहीं चाहता। ये ले ले, ये हीरे मोती सब ले ले, ये भी ले ले, ये ले ले। मुझे छोड़ दे मल्लिका, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे मल्लिका। मलिकाया भी खजाना सुलेमानी के हीरे मोती ख्वाब में भी नहीं मिलते, आज हकीकत में मिले हैं। आज इस खुशी में इस आदमजात को जिंदगी बख्श दी जाए। हाँ? इसका साथी दरवेश नेक इंसान है, वो इसके लिए जिंदगी की दुआएं मांग रहा है, इसलिए इसे जिंदा छोड़ दिया जाए। तेरा जो हुक्म होगा वही होगा पेशवायाबी। आ बेजर। हुक्म हो मलिकायाबी। इस खुशकिस्मत आदमजात को तुम जहां से लेकर आई थी, जाओ फौरन इसे वहीं पर फेंक आओ। जो हुक्म मलिकायाबी। आए हसीन दोशीजा, तुम मुझे जरा धीरे से फेंकना, हाँ कहीं कहीं ऐसा ना कि मेरी हड्डियां टूट जाए। हाँ शुक्रिया हसीन दोशीजा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने मुझे वैसे तो बहुत जोर से फेंका, मगर तूने मुझे जिंदा फेंका, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तेरे नेक साथी की नेकी और दुआओं का असर है कि हमारे पेशवायाबी ने मलिकायाबी को हुक्म देकर तेरी जान बचाई। आका आका, ये देखो, ये देखो, मैं जिंदा हूँ, मैं वापस आ गया, मैं जिंदा हूँ, ये देखो। क्या हुआ, रुक क्यों गए? अब मुझमें आगे जाने की हिम्मत नहीं है। क्यों हिम्मत नहीं? मैं लुटा हुआ बर्बाद मुसाफिर हूं। मेरे पास में जितनी भी दौलत थी, जितने भी हीरे मोती थे, वो सब तो मलिकाए आलिया ने छीन लिए हैं। इस सदमे से मैं इतना निढाल हो गया हूं कि अब मुझमें आगे जाने की हिम्मत नहीं है। जमाल, जो दौलत चली गई उसका गम ना कर, जो दौलत बची है उसकी फिक्र कर, और खुदा का शुक्र अदा कर कि अब भी तेरे पास सोने चांदी हीरे मोती से लदा हुआ एक ऊंट तो मौजूद है। इसलिए गम ना कर, चल मेरे साथ। यही तो गम है कि मेरे पास सिर्फ एक ऊंट है और तुम्हारे पास तो तीन तीन ऊंट है, तीन तीन। तुम्हारे मुकाबले में मैं कितना गरीब हूं। दूसरों की दौलत देखकर अपने दिल को ना जला हासिल, तो तुम मुझे एक ऊंट और देकर मेरे दिल की जलन को दूर कर दो। इतना लालच अच्छा नहीं होता जमाल, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती मेरे मोहतरम हमसफर। मुझे एक ऊंट और दे दो बस। हिरसो हवस के गुलाम लालची जमाल, याद रख लालच की कोई हद नहीं होती। लालची दिल एक ऐसा अंधा कुआं होता है जिसमें सारी दुनिया की दौलत डाल दो फिर भी वो ना भरेगा, जब भी देखोगे खाली नजर आएगा। यही हाल तुम्हारा भी है, तुम बहुत लालची हो लालची। अपने तीन ऊंटों में से एक ऊंट मुझे देकर अपने इंसाफ पसंद और शरीफ इंसान होने का सबूत दे दो। या अल्लाह, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है जमाल, मेरी मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाया। तू नहीं जानता कि
ये दौलत मेरे पानी की अमानत है। मेरी ये दौलत रेगिस्तानी मुल्क की जिंदगी की बुनियाद है। मैं एक ऊंट तो तुझे पहले दे चुका हूं। ऐ लालची इंसान, अब मेरे दिल को और ना दुखा। ऐसा ना कर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दे दो एक ऊंट और, वरना ऊंट लेने के लिए और भी बहुत से तरीके आते हैं मुझे। बोलो जमाल, जमाल क्यों ले लूं? जा जा जा, ले जा ले जा, अब मेरी नजरों से दूर हो जा। अब मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, अकेले सफर तय करूंगा। ये हुई ना बात। जा जा ले जा ले जा, चल चल। जमाल, जो दौलत चली गई उसका गम ना कर, जो दौलत बची है उसकी फिक्र कर, और खुदा का शुक्र अदा कर कि अब भी तेरे पास सोने चांदी हीरे मोती से लदा हुआ एक ऊंट तो मौजूद है। इसलिए गम ना कर, चल मेरे साथ। यही तो गम है कि मेरे पास तो सिर्फ एक ऊंट है, और तुम्हारे पास तो तीन तीन ऊंट है, तीन तीन। ऐ लालची इंसान, अब मेरे दिल को और ना दुखा। ऐसा ना कर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दे दो एक ऊंट और। ऊंट लेने के लिए और भी बहुत से तरीके आते हैं मुझे। बोलो जमाल, जमाल क्यों ले लूं? अब मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, मैं अकेले ही सफर तय करूंगा। ये हुई ना बात। जा जा ले जा ले जा, चल चल। ऐ मेरे सहराई दरवेश, देखते जाओ अब इस जमाल का कमाल। एक एक करके तुमसे बाकी के दोनों ऊंट भी नहीं ले लिए तो मेरा नाम भी जमाल नहीं। जाओ मेरे वफादार साथियों, तुम लोग भी अब इस रात के वक्त आराम करो, और मैं भी जाता हूं सोने। डाकू स्याह पोश, लेकिन तुम तो बहुत बहादुर और बहुत अमीर आदमी हो भाई, मुझ गरीब के पास क्या लेने आए हो? तुम्हारी जान और माल दोनों। जान माल दोनों? नहीं नहीं, मैं एक ही चीज दूंगा, ये माल ले लो माल। जमाल बिन आमिर, कौन हो तुम? तुम्हारा यार कामरान। कामरान मेरे दोस्त, मेरे यार, तुम यार? जमाल मेरे यार, मेरे अजीज दोस्त, मेरे हम प्याला हम निवाला। तू बता, तू इस सहरा में क्या कर रहा है? ये बड़ी लंबी कहानी है, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। खैर मेरे तो छोड़, तुम सुनाओ, तुम कैसे डाकू बने? बस बुरे काम का बुरा अंजाम, जुआ शराब और अय्याशी में अपने घर की दौलत इज्जत सब कुछ गवा देने के बाद मैं कर्ज ले लेकर जुआ खेलता रहा और अपने शौक पूरे करता रहा। एक दिन शराब के नशे में मेरे हाथों मेरे दो दोस्तों का कत्ल हो गया। शाही सिपाही
मुझे फांसी पर लटकाने के लिए मेरी तलाश में निकले, मैं फरार हो गया और डाकू बन गया। खैर चलो, अच्छा खूब मुलाकात हुई। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दो पुराने यार गुनहगार। वैसे माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाने के बाद चोरी करने में तुमने भी बड़ा नाम कमाया था। इन नोटों पर चोरी का ही माल लदा है ना? अरे नहीं यार, चोरी करना तो मैंने छोड़ दिया है। अब मैं सुधर गया हूँ, अब मैं सौदागर बन गया हूँ, एक शहर का माल दूसरे शहर में पहुंचाता हूँ। हाँ लेकिन अब मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा करा सकता हूँ। मैं तुम्हें इतना माल दिला सकता हूँ, इतना माल दिला सकता हूँ कि जिंदगी भर तुम्हें डाका डालने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। ऐसी क्या बात है, जल्दी बता। उस रेगिस्तानी मुल्क की तरफ जो रास्ता जा रहा है ना, उस रास्ते पर एक सहराई दरवेश नाम का मुसाफिर जा रहा है। उसके पास दो ऊंट है, दो ऊंट। उन दोनों ऊंटों पर खजाना है सुलेमानी लगा हुआ है। उन ऊंटों पर हीरे जवाहरात मोती अशरफियां सारी दौलत है। बस तुम जाकर उसे लूट लो, फिर सारी जिंदगी तुम्हें डाका डालने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। आराम से ऐश करोगे, ऐश। वाह मेरे दोस्त, क्या रास्ता दिखाया है, मैं अभी जाता हूँ। हाँ उस हाँ। उस रास्ते पर, वो सीधा वाला रास्ता। हाँ कैसे जानते हो? एक डाकू की कामयाबी का राज यह है कि वो डाका डालने से पहले अपने मुखबिर से तमाम मालूमात हासिल कर लेता है। मैं डाकू सियाह पोश हूँ, जो कुछ तेरे पास है वो सब मेरे हवाले कर दे। दरवेश से कुछ मांगा नहीं करते, उसे दिया जाता है। फकीर को तो माफ कर देना चाहिए डाकू सियाह पोश। फकीर हो या अमीर, मेरी तलवार सिर्फ दौलत पहचानती है और कत्ल कर डालती है। तो इससे ये गठरी। हाँ मेरी किस्मत खुल गई, मेरे दोस्त ने ठीक कहा था, इसमें तो खजाना सुलेमानी है। राजन कज़ाक लुटेरे जालिम, ये जुल्म ना कर, ये अमानत है। मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि इसमें से कुछ हीरे मोती ले जा, जो तेरी सारी जिंदगी के लिए काफी होंगे। बाकी दौलत मेरे नेक काम के लिए छोड़ दे डाकू सियापोश। नहीं छोड़ दे, इस नेकी का तुझे सवाब मिलेगा और खुदा खुश होगा डाकू सियापोश। खुदा खुश हो या नाराज, मैं परवाह नहीं करता। डाकू सियापोश, जो लोग परवाह नहीं करते उनका भयानक अंजाम दुनिया के लिए एक सबक बन जाता है। ऐ संदिग्ध इंसान, खुदा से डर, लोगों पर जुल्म न कर, उनके दिलों को ना दुखा, उनकी बददुआएं ना ले, वरना तू बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद करने वाले क्या बर्बाद होंगे? फकीर इंसान में जब गुरूर पैदा हो जाता है तो समझ लो कि खुदा उसे जल्द सजा देने वाला है। सजा जजा और खुदा से डराने वाले नसी दरवेश, तू पत्थर से पानी निचोड़ने की कोशिश मत कर। मेरा दिल काला हो चुका है, मेरा जमीर मर चुका है, इसलिए अच्छी बातों का मुझ पर असर नहीं होता। उधर मैं तुम्हें कत्ल नहीं करता हूँ, सिर्फ बांध देता हूँ। चल डाकू सियापोश, खुदा से डर, ऐ राजा रे दीनो ईमान, मुझ पर रहम कर, उन प्यासों पर रहम कर जो इस रेगिस्तान में तड़प तड़प कर मर जाते हैं। इस इंसानियत पर एहसान कर, ये दौलत अमानत है उन प्यासी माओ बच्चों बूढ़ों पासों बच्चों और बूढ़ों की। एक जुल्म जमाल बिन आमिर ने किया था और दूसरा जुल्म तू कर रहा है डाकू सियापोश। जमाल बिन आमिर, उसने क्या जुल्म किया था? उसने मुझे मजबूर करके मेरे दो ऊंट मुझसे छीन लिए। क्या उन दो ऊंटों पर खजाना सुलेमानी था? हाँ। उसी ने मुझे तुम्हारा पता दिया था। उस चालाक जमाल ने मुझे बेवकूफ बनाया है।
मैं अभी जाकर उससे वो दोनों ऊंट छीन लूंगा। मत जा, मत ले जा। याद रख, ये दौलत अल्लाह के बंदों की अमानत है। मत ले जा। याद रख, तू ये दौलत नहीं ले जा रहा है, अपनी मौत का सामान ले जा रहा है डाकू सियापोर। तूने मुझसे झूठ बोला, अपनी दौलत छुपाई। तेरे ऊंटों पर भी दौलत थी, तूने वो नहीं बताई। मैं तुझे अपना दोस्त समझता रहा और तू मुझे सिर्फ एक डाकू समझता रहा, मुझ पे भरोसा नहीं किया। किस डाकू पर भरोसा करता? उस डाकू पर जिसने मेरी तरह अपना घर बर्बाद किया। उस डाकू पर भरोसा करता जिसने अपने शहर में डाका डाला हो। बोल, गुनहगार दोस्तों पर क्या भरोसा करता? मुझ पर भरोसा नहीं करके तूने मेरी बेइज्जती की है। मैं तुझे इसकी सजा दूंगा। आज पता चला कि डाकुओं की भी कोई इज्जत होती है। तू सजा का नाम लेकर मेरे सुलेमानी खजाने को छीनना चाहता है, मेरी ऊँटों को मुझसे छीनना चाहता है। नहीं, मैं हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं तेरा कत्ल करूंगा। देख, अभी पता चल जाएगा कि कौन किसे कत्ल करता है। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, तू भी ऐसे ही सूट कर कंकाल हो जाएगा। डाकू सियापोश से टक्कर मरकंबख्त। आज मैं दुनिया का सबसे अमीर तरीन डाकू बन गया हूँ। मेरे पास खजाना सुलेमानी के चार ऊंट हैं, चार। जमाल को मैंने मार दिया और वहां सहराई दरवेश भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगा। ऐ मेरे मददगार अबीक, ऐ मेरे मददगार रहनुमा शाह जिन्नात, जाहिर हो, जाहिर हो, जल्द जाहिर हो शाह जिन्नात। मैं आ गया हूं सहराई दरवे, तूने मुझे क्यों याद किया ऐ नेक नियत इंसान? मैं लुट गया हूं, मैं बर्बाद हो गया है मेरे मददगार शाह जिन्नात। खजाना सुलेमानी से भरे दो ऊंट मकार दगाबाज जमाल ने मुझे मजबूर करके मुझसे छीन लिए, और बाकी के दो ऊंट कहां है? वो जमाल के दोस्त डाकू सियापोश ने मुझसे छीन लिए। इस तरह मैं लुट गया हूं, बर्बाद हो गया हूं। ऐ मेरे मददगार शाह जिन्नात, खुदा के लिए मेरे चारों ऊंट मुझे वापस दिला दे। इस नेकी से खुदा खुश होगा। खुदा परस्त शाह जिन्नात, तू फिक्र न कर, ऐ फरिश्ता सीरत इंसान, मैं तेरे चारों ऊंट अभी लाकर तुझे वापस दूंगा। रुक जाए जालिम डाकू।
नहीं रुकूंगा। ए राहगीर जिन, मुझे जाने दे, मुझे तेरी क्या दुश्मनी है? मैं उस हर इंसान का दुश्मन हूँ जो इंसान की शक्ल में शैतान होता है, जो इंसानियत, शराफत और नेकी का दुश्मन होता है, मैं उन सब का दुश्मन हूँ। तूने गरीब जहराई दरवेश की दौलत लूट ली, उसकी दौलत वापस कर दे। नहीं दूंगा। दरवेश, तू अपनी अमानत ले। डाकू सियापोश ने अपने दोस्त जमाल को कहीं फेंक दिया और मैंने डाकू सियापोश को जलाकर राख कर दिया। देखिए चारों ऊंट जो इंसान नुमा शैतानों ने तुझसे छीन लिए थे, आखिर में तेरे पास ही आ गए और अब तू ही इनका असली हकदार है। ये संभाल। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने शैतानी पंजों से मेरी ये अमानत खजाना सुलेमानी को फिर मेरे कब्जे में कर दिया है। देखा दरवेश, दौलत कितना परेशान करती है। जब नहीं होती तो इंसान सिर्फ परेशान रहता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा दौलत जब आती है तो इंसान हर वक्त एक इम्तिहान में मुब्तिला रहता है। जिंदगी मौत के हाथों में खिलौना बनी रहती है। जान जाने का डर और खौफनाक मुसीबतों में इंसान की जिंदगी का चैन सुकून चला जाता है। वाकई वाकई तूने सच कहा है मेरे
मोहतरम शाह जिन्नात, 21 साल तक दौलत हासिल करने के लिए वजीफा पढ़ के जो मैंने दिक्कतें और परेशानी उठाई थी वो कुछ भी नहीं, और अब दौलत हासिल करने के बाद मेरा हर पल जिंदगी और मौत के शिकंजे में फंसा हुआ है। ऐ मेरे हमदर्द हम ख्याल शाह जिन्नात, मैं तुझसे एक इल्तिजा करता हूं कि तू अपनी बेपनाह जिन्नाती ताकत से मेरी ये अमानत खजाना ए सुलेमानी को रेगिस्तानी मुल्क तक पहुंचा दे। पहुंचा सकता हूं ऐ परेशान हाल दरवेश, लेकिन ये खजाना ए सुलेमानी के कानून और उसूल के खिलाफ है कि एक तो बेशुमार दौलत मुफ्त में दो और फिर वही दौलत घर तक पहुंचाओ। बस यही बहुत है कि 21 साल के वजीफे के बाद मैं तेरे कब्जे में आ गया और मुझसे खजाना सुलेमानी तेरे कब्जे में आ गया। अब तू इस दौलत को जान और ये दौलत तुझे जाने, आइंदा मुझे मत बुलाना। बस मेरा काम खत्म हुआ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। संगदिली की सजा तुझे और तेरे दोस्त कामरान डाकू सियाह पोश को भी मिली, और तुझे पता चल गया कि जहां गुनाहों के हिस्सेदार लालची और मतलबी दोस्त होंगे वहां सच्ची दोस्ती कभी नहीं मिलेगी। जिस गुनाहगार दोस्त के दिल में जुल्म बेरहमी आवारगी होगी उस दिल में ईमान और शराफत नहीं होगी। जिस दोस्त के दिल में अल्लाह का डर नेकी का जज्बा और रहम नहीं हो उस दोस्त की दोस्ती पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बता तू ऐ नाबीना फकीर, जब तू सजाओं की जिंदा तस्वीर बन गया तो फिर क्या हुआ? उस मौत की वादी से तू कैसे बच गया? बचाया तो अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह ने मुझे अपनी बाकी सजा भुगतने के लिए बचाया। अल्लाह हर भटके हुए इंसान को सुधरने और संभलने का बार बार मौका देता है। सच्चाई को समझने और मानने वाले इंसान तो सुधर जाते हैं, मगर मुझ जैसे गुमराह गुनहगार सुधरने के बदले और बिगड़ जाते हैं, क्योंकि सुधरने की कभी कोशिश ही नहीं करते। उस मौत की वादी से मुझे एक मौत के सौदागर ने बचाया। वो एक जालिम बर्दा फरोश था जो मुझ जैसे मुसीबत ज्यादा इंसानों को पकड़कर जालिम इंसानों के हाथों बेच दिया करता था, और उस बर्दा फरोश ने
मुझे एक बहुत ही सख्त दिल जालिम इंसान को महंगे दामों में बेच दिया, जो मुझे बात बात पर मारता, खेतों में जानवरों की जगह मुझसे हल चलवाता, और जब वो बाहर निकलता तो उसकी सवारी को मैं कदों की तरह घसीटता था। एक दिन जब उस जालिम इंसान की सवारी को मैं घसीट रहा था और वो मुझे कोड़े से मेरे सर और मेरे कंधों पर मार रहा था, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत ही जालिम, धोखेबाज, कमीना, एहसान फरामोश इंसान हूँ। मैं दौलत की खातिर इंसान से शैतान बन गया था। मुझे माफ कर दे, मुझे गुनाहगार बदकार जालिम इंसान को माफ कर दे, बख्श दे मुझे। मददगार गुनहगार जमाल, अपना सर मेरे कदमों में रख कर मुझे गुनहगार न बना। नहीं, मैं तेरे इन कदमों को नहीं छोड़ूंगा, तेरे इन कदमों में मेरी निजात है। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तू मेरा गुलाम है और मैं तेरा आका हूँ, तू इस अजनबी मुसाफिर को अपना आका कह रहा है? हाँ, दरअसल में यही मेरा आका है। मैंने इसकी नाफरमानी की, इसे धोखा दिया, इसके साथ जुल्म किया है, बेइज्जती की है इसकी। ये मुझे जो भी सजा देगा कम है। अरे अल्लाह के नेक बंदे सहराई दरवेश, मुझे इस जालिम से बचा ले। अल्लाह इस नेकी के बदले तेरे दिल की हर मुराद पूरी करेगा। तेरे हाथों से बनाई हुई नहर से ये रेगिस्तान गुलगुलजार हो जाएगा। मुझ खताकार गुनाहगार को माफ कर दे और अल्लाह के दरबार में अपना मर्तबा बुलंद कर। अल्लाह वाले दरवेश, अल्लाह भी अपने बंदों को माफ कर देता है, तू भी मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। माफी मुझसे मांग और चल, वरना मार कर तेरी यही खाल उधेड़ दूंगा। नहीं, नहीं। खबरदार जालिम आका, अब इसे मत मार, तो चल तू मार खा इसके बदले में। नहीं। इस मार के लिए भी मैं तैयार हूँ। नहीं, नहीं, इन्हें मत मारो, इन्हें मत मारना, मुझे मारो, मुझे मारो। अच्छा ये बता, तूने इसे कितने में खरीदा था और अब कितने में बेचेगा? रकम अच्छी मिले तो बेच सकता हूँ, मैं तो सौदागर हूँ, वक्त की नजाकत की कीमत लेता हूँ और वक्त से नाजायज फायदा उठाना भी जानता हूँ। 200 दिनार में खरीदा था, 200 से कम अशर्फियों में क्या बेचूंगा? नहीं जालिमा का, 200 अशर्फियां ज्यादा हैं। तुम्हारे लिए ज्यादा होंगी, मेरे लिए नहीं। मैं बेचने के लिए मजबूर नहीं हूँ, तुम खरीदने के लिए मजबूर हो। सोच लो, सौदा मंजूर नहीं तो मैं चला अपने इस मार खाने वाले गुलाम को लेकर। चलवाओ, बचा ले मुझे, बचा ले, बचा ले मुझे, चल, बचा ले। चलो, तेरे इस हमदर्द मुसाफिर के पास जबानी खर्च ज्यादा है, थैली में माल नहीं। चल, रुक जाले माता, रुक। ये ले अपनी 200 शर्फियां। जमाल, जमाल, आका, आका, मेरे आका, तूने मुझे बचा लिया। ऐ मेरे आका, आप तो जानते हैं, पहले मैं दौलत की लालच में इंसान से शैतान बन गया था, मगर अब मैं फिर इंसान बनना चाहता हूं, आपकी खिदमत करना चाहता हूं। मुझे अपनी खिदमत करने का मौका दीजिए। सुबह के नमाज का वक्त हो गया है,
मैं आपके वजू के लिए पानी लेकर आता हूं। जरूर कोई राज है जो दरवेश ने आज तक मुझे नहीं बताई। इस डिबिया को दरवेश खजाना सुलेमानी से लेकर आया था। दरवेश उस छोटी से परी से क्या बातें कर रहा था? उस डिबिया की हिफाजत वो अपनी जान से भी ज्यादा करता है। आखिरकार ऐसा क्या है उस डिबिया में? जरूर कोई राज है जो दरवेश मुझसे छुपा रहा है, मगर मैं इस राज को मालूम करके रहूंगा, जरूर मालूम करके रहूंगा। बरकुरदार जमाल, हाँ जी, वजू के लिए पानी लाए? जी अभी लाता हूं मेरे मोहतरम, अभी लाता हूं। जरा जल्दी करना, 4 दिनों का सफर रह गया है, हमें यहां से जल्दी से जल्दी रवाना हो जाना चाहिए। फिर क्या हुआ नाबीना फकीर? सुधरने के बाद क्या तू फिर बिगड़ गया? हाँ। अरे अमीरुल मोमिनीन, जब मुझे मालूम हुआ कि अब हमारा सफर सिर्फ 4 दिन और 4 रातों का रह गया है, तो 2 दिनों तक मैंने सहराए दरवेश की खूब खिदमत की। जब रोटी नहीं मिलती थी तो मैं उसे जंगल से फल लाकर खिलाया करता था, और रोज रात को मैं उसके पैर दबाया करता था। मैंने हर तरह से उसका ख्याल रखा, लेकिन एक रात मुझे ख्याल आया कि 4 दिनों के बाद दरवेश खजाने के चारों ऊंट को लेकर अपने वतन रेगिस्तान चला जाएगा। उसके पास 4 ऊंट और 1 तिलिस्मी डिबिया होगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं होगा। इस ख्याल के आते ही मेरी ईमानदारी बेईमानी में बदल गई, और लालच ने मेरे दिल और दिमाग को काबू में कर लिया। मेरे लालची दिल ने मुझे समझाया कि जो इंसान मौके से नाजायज फायदा नहीं उठाता वो बेवकूफ होता है। ऐसा मौका फिर कहां हाथ आने वाला है? और मैंने वो काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। क्या किया तूने सर परत जमाल? जरो जवाहर के लालच में मैंने दरवेश के पानी वाले मस्किजा में अपने ही खंजर से सुराख कर दिया। बेटे जमाल, हाँ? जरा मेरे पानी का मशकीजा तो देना। अच्छा, ये लो। बेटे जमाल, हाँ? मशकीजा खाली कैसे हुई? मुझे क्या मालूम। अरे इसमें तो इतना बड़ा सुराख है,
ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो जवान। मैं कर सकता हूँ? मैं क्यों करूंगा? अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं मशकीला करके तुम्हें पानी पिला कर देता। दरवेश, मुझ पर ये इल्जाम न लगाओ, वरना वरना मैं ये सफर छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ, ऐसी बात ना कर जमाल। देख, प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है, मुझे अपने मशकीला से पानी पीने दो। ये सही है दरवेश कि तुमने मुझे उस जाली माका से बचाया, मगर तुझमें और उस जाली माका में कोई फर्क नहीं। वो मुझ पर जुल्म करता था और तू प्यार से पेश आता है, प्यार से। मगर ना इंसाफी तो तुम भी कर रहे हो, तुम भी तो ना इंसाफी कर रहे हो मेरे साथ। कैसी ना इंसाफी? अरे ना इंसाफी नहीं तो और क्या है? ये सारी दौलत, ये सारा खजाना है सुलेमानी, मेरी वजह से तुम्हें हासिल हुआ है, मेरी वजह से। और मैं तेरी वजह से नहीं जमाल, मेरे 21 साल की मेहनत, रियाजत, नफ्स खुशी और सब्र के साथ वजीफे की वजह से मिली है। अरे तू तो मेरे साथ एक मजदूर की हैसियत से था और वो मजदूरी मैंने तुझे दी है। ये दौलत तेरे रेगिस्तान में पानी की अमानत है और इस अमानत में से किसी को देने का मुझे कोई हक नहीं, इसलिए तुझे और दौलत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जमाल जमाल, मुझे पानी दे दे, एक घूंट पानी पिला दे, मुझे पानी दे। तो मुझे भी पानी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा जुल्म ना कर जमाल, देख प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। मेरा भी गला प्यास से सूखा जा रहा है। मुझे पानी दे जमाल, मुझे पानी दे। ठीक है, एक घूंट पानी की कीमत 1 मिनट, बोलो मंजूर है? अरे ये तो मेरी रहमदिली है कि मैं तुझे पानी देने के लिए तैयार हो गया, वरना इस रेगिस्तान में प्यास से तू तड़प तड़प कर मर जाएगा। और ये सब मालो दौलत, ये खजाना है सुलेमानी से लदे हुए ऊंट यही रह जाए, इनका कोई वारिस नहीं होगा। इस रेगिस्तान में ये सारी दौलत यही धरी रह जाएगी। बोल, मंजूर है? एक घूंट पानी, एक सुलेमानी ऊंट, मंजूर है? मंजूर है। ला, एक बूंद पानी दे दे जमाल, एक बूंद पानी दे दे, एक घूंट ले, बस। बस और नहीं, सिर्फ एक घूंट का वादा था और ये एक ऊंट मेरा हो गया। अफसोस, मैं अपने अंगूठे वाले मददगार चिन्ह को बुला नहीं सकता। उसने मुझसे कहा था, मुफ्त की दौलत मिल गई यही बहुत है, दौलत की हिफाजत करके उसे घर तक पहुंचाना खजाना सुलेमानी के उसूल के खिलाफ है। उसने कहा था कि आइंदा मुझे मत बुलाना, उसने सच कहा था। दौलत हासिल करना फिर भी आसान है, लेकिन उसकी हिफाजत करना कितना मुश्किल। हर दम एक नया इम्तिहान। जमाल, एक घूंट पानी दे दे जमाल, एक घूंट पानी दे दे जमाल। चलो, अभी और सफर तय करना है, आओ। जमाल पानी दे दे, जमाल जमाल पानी पिला दे। जमाल,
दुनिया में पानी भी कितनी अहम चीज है। अगर पानी ना मिले तो इंसान इस रेगिस्तान में प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान दे। जमाल क्यों, ठीक कहा ना सहराय दरवेश? जमाल पानी पिला दे, रहम कर जमाल, मुझ बूढ़े पर रहम कर। मैंने तुझे जिंदगी अता की है और तू मुझे मौत दे रहा है। जमाल मुझे पानी पिला दे, इतना जुल्म ना कर कि जुल्म भी शर्म से पानी पानी हो जाए। मुझ बूढ़े पर रहम कर जमाल, मुझे घूंट पानी नहीं, मुझे खूब पानी पिला दे जिससे मेरी प्यास बुझ जाए। जमाल मुझे पानी पिला दे जमाल। तू भी मेरी दौलत की प्यास बुझा दे, ये तीनों ओट मुझे दे दे। तीन घूंट पानी मेरे से ले ले, तीन घूंट पानी, और इसके बदले ये तीनों ऊंट मुझे दे दे। दे ले ले जमाल ले ले, लेकिन मुझे पानी पिला दे जमाल, मुझे पानी पिला दे। एक दो और जमाल, तीन, बस जमाल। अब और नहीं मिलेगा जमाल, और अगर पानी पीना है तो वो देख, वो सामने तालाब है, जा जा जाकर ढेर सारा पानी पी ले और अपनी प्यास बुझा ले, जा। बेवकूफ दरवेश। वक्त तूने तीन घूंट मेरे से पानी पीकर अपने तीनों ऊंट मुझे दे दिए। जमाल मुझे मालूम था कि सामने तालाब है, मगर मैंने तुझे बताया नहीं। और अब इस तीन घूंट पानी के बदले ये तीनों ऊंट मेरे हैं। तुझसे तीनों ऊंट मैंने ले ली, अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, सबसे अमीर। मैं चार ऊंटों का मालिक बन गया, इन चार ऊंटों का। इसे कहते हैं किस्मत। नहीं जमाल, झूठ और कमीने पन को किस्मत नहीं कहते, तूने किस्मत को धोखा दिया है। याद रख जमाल, किस्मत तुझे जब ऐन मौके पर धोखा देगी तो तू कहीं का नहीं रहेगा। हट, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। थोड़ी देर के बाद मेरे मुल्क की सरहद आ जाएगी और मैं तुझे छोड़कर अपने मुल्क मिस्र चला जाऊंगा। मेरे वतन की सरहद आने से पहले तू मुझे वो डिबिया दे दे, वो डिबिया जो तूने अपने पास छुपा कर रखी, वो तिलिस्मी डिबिया। ला, ला मुझे दे दे। नहीं जमाल, मैं कहता हूं दे दे मुझे। नहीं जमाल, वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, वो खजाना सुलेमानी वाली डिबिया मुझे दे दे। ए जालिम बेईमान, खुदा से डर, तूने मेरा तो सब कुछ छीन लिया है। मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा तो मुझसे मत छीन। नहीं जमाल, वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। आखिर इस डिबिया में ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा कर रखता है? उस छोटी सी परी से आखिर तू क्या बातें करता रहता है? पता है मेरे कमीन साथी, मेरे सहराय दरवेश, बता मुझे। नहीं नहीं जमाल, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो मैं नहीं बताऊंगा। मैं चार ऊंटों का मालिक बन गया, इन चार ऊंटों का। इसे कहते हैं। नहीं जमाल, झूठ और कमीने पन को किस्मत नहीं कहते, तूने किस्मत को धोखा दिया है। याद रख जमाल, किस्मत तुझे जब ऐन मौके पर धोखा देगी तो तू कहीं का नहीं रहेगा। हट, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। थोड़ी देर के बाद मेरे मुल्क की सरहद आ जाएगी और मैं तुझे छोड़कर अपने मुल्क मिस्र चला जाऊंगा। मेरे वतन की सरहद आने से पहले तू मुझे वो डिबिया दे दे। ए जालिम बेईमान, खुदा से डर, तूने मेरा तो सब कुछ छीन लिया है। अब मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा तो मुझसे मत छीन। नहीं जमाल, वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। आखिर इस डिबिया में ऐसा क्या है जो तू मुझसे छुपा कर रखता है? उस छोटी सी परी से आखिर तू क्या बातें करता रहता है? पता है मेरे कमीन साथी,
मेरे सहराई दरवेश पता मुझे नहीं नहीं जमाल वो मैं नहीं बताऊंगा वो मैं नहीं बताऊंगा जमाल कोई बात नहीं वक्त आएगा तो तू खुद बखुद ही मुझे सब कुछ बताएगा सब कुछ मेरी चालाकी मेरी धोखेबाजी मेरी बेईमानी मेरे कमीनेपन की तो दाद शैतान भी देता है शैतान और वो मुझे अपना उस्ताद मानता है उस्ताद चल अब तो सिर्फ दो दिन और दो रातों का सफर बाकी रह गया बस सिर्फ दो रात और दो दिन वो सफर पूरा होने के पहले तू मुझे वो डिबिया जरूर दे जरूर दे नहीं जमाल सफर पे आगे चलो خزانه‌های سلیمانی خدانی باب ای شیطانی باب بادشاه جن ای فرزانه فرما بردار مخبر جن کیا خبر لائے ہو خبر بہت بڑی خوشخبری ہے एक ऐसी खुशखबरी जो आंखों देखी कानों सुनी खबर है जिसका चश्मदीद दवा मैं खुद हूँ चश्मदीद दवा क्या देखा तुम्हारी आंखों ने फरसन खजानाए सुलेमानी खजानाए सुलेमानी खजानाए सुलेमानी खजानाए सुलेमानी ऐ शैतानी बाप हमारा शैतानी खानदान सदियों से जिस सुलेमानी खजाने की बातें सुन सुन कर तड़पता रहता है ये वही खजाना है सुलेमानी है जी खजाना है सुलेमानी की बातें तो 1000 साल से मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी तो उम्र अभी 500 साल है मेरे बुजुर्गों ने अपने बुजुर्गों से और उनके बुजुर्गों ने अपने बाप दादाओं के बुजुर्गों से जो खजाना है सुलेमानी के बारे में सुना है कि खजानाए सुलेमानी जमीन और आसमान के बीच में एक तिलिस्मी महल है जिसमें वो खजाना है लेकिन आज तक हम में से किसी शैतानी जिन ने खजानाए सुलेमानी के दीदार नहीं किए हैं मेरे 3000 बेटे बेटियां और बीवियां उसी खजाने सुलेमानी के दीदार के लिए तरस रहे हैं जल्दी बता कहाँ है वो खजानाए सुलेमानी वो खजाना 4 ऊंटों पर 2 आदमियों के साथ हमारे मुल्क से गुजरते हुए मुल्क के रेगिस्तान की तरफ जा रहा है वो 2 आदमी जवान है या बूढ़े एक बूढ़ा है और एक जवान तो उस जवान की शादी मैं अपनी कुंवारी बेटी अपने गुलगुला के साथ करूंगा जिसकी उम्र सिर्फ 150 साल है जो बेटी तबले गुलगुला मेरे बड़े भाई मुखबिर जिन उस आदमजात को जल्दी पकड़ कर लिया सब्र कर जल्दी मत कर तबले गुलगुला जब खजाना सुलेमानी आएगा तो वो जवान भी साथ में आएगा फरजंद जाओ उन्हें वहां से गायब करके यहां उठा के ले आओ जो हुक्म बादशाह जिन जो हुक्म शैतानी बाप बादशाह जिन चालाक दरवेश
अब तेरी चालाकी नहीं चलेगी। ला ये तिलिस्मी डिबिया मुझे दे दे। नहीं दूंगा। नहीं देगा तो मैं तुझसे छीन लूंगा। अरे मेरा सब कुछ तो तूने छीन लिया है जालिम लुटेरे। मेरी जिंदगी भर के वजीफे की कमाई, खजाना इस सुलेमानी से भरे ये चारों ऊंट, ये दौलत जो मेरे वतन के रेगिस्तान के पानी की अमानत थी, मजबूर होकर मैंने तुझे दे दी है। अब ज्यादा लालच ना कर लालची नमक हराम भेड़िए। अब क्या तू मेरी जान लेगा? तेरी जान तो ये रास्ते ले लेंगे, ये पहाड़ ये सहरा ले लेंगे। ऐ सहराए दरवेश, अब जिन रास्तों पर मैं तुझे अकेला छोड़कर जा रहा हूं, उन रास्तों से तू भटक भटक कर, भूख प्यास से तड़प तड़प कर, खुद बखुद ही अपनी जान दे देगा और अपने रेगिस्तान के वतन को नहीं पहुंच पाएगा। तू तो ऐसे ही मर जाएगा। इसलिए वो अजीब और गरीब तिलिस्मी डिबिया जो तूने इसमें छुपा रखी है, ला मुझे दे दे, मुझे दे दे। नहीं दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन ये तिलिस्मी डिबिया नहीं दूंगा जमाल। ओ, तो ये तिलिस्मी डिबिया तेरे जान से भी ज्यादा बेशकीमती है, इसलिए तू मुझे नहीं देगा। अब तो मैं डिबिया जरूर जमाल ला निकाल। नहीं दूंगा, दे दे वरना मैं अभी तुझे मार डालूंगा। मैं नहीं दूंगा जमाल। मैं कहता हूँ दे दे डिबिया। मैं नहीं दूंगा जमाल। मैं कहता हूँ सराय दरवाज़ दे दे डिबिया। नहीं दूंगा जमाल। दे, नहीं दूंगा। दे मुझे, दे। नहीं दूंगा जमाल। दे मुझे। शादी करूंगी। शादी? हम नेकी और अच्छाई के चिन्ह नहीं, हम बुराई और शैतानों के चिन्ह हैं। मैं शैतानी जिन की बेटी और तू आदमजाद। हम दोनों से जो बच्चे पैदा होंगे वो जानवरों से भी ज्यादा जानवर, शैतानों से भी ज्यादा शैतान, कमीने, बदमाश, जलील, खूनी बच्चे होंगे जो इस दुनिया को बर्बाद करने में हम शैतानों की मदद करेंगे। वैसे भी है आदमजाद जमाल, तूने बहुत जुल्म किए हैं। तुझे मेरा नाम भी मालूम है? तूने दुनिया में जो जुल्म, गुनाह, ऐश, आवारगी और बेशर्मी के काम किए हैं, वो कहानियां हम शैतानों के दरबार में पहुंचती रही हैं, और हमने तुझे अपनी बिरादरी में शामिल किया था क्योंकि तुझ में वो सब खूबियां हैं जो एक शैतान में होती हैं। जो अपने बूढ़े माँ बाप को रुलाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं और उनके बुढ़ापे को जलीलो ख्वार करते हैं, वो शैतान ही तो होते हैं। बस मैंने फैसला किया है कि तुझसे अच्छे शैतानी दामाद हमें मिल ही नहीं सकता। और मुझ जैसी शैतानी बेटी, खूबसूरत बीवी तुझे नहीं मिलेगी। अगर मैं तुझसे शादी ना करूँ तो? हा? कोई बात नहीं, हम शैतानी लोग बिना शादी के भी मियाँ बीवी बन के रह सकते हैं। मेरा मतलब है, अगर मैं तेरे साथ बिल्कुल ही ना रहूं तो? वो भी हो सकता है। हाँ? तू न रह, मैं तेरे साथ रहूंगी। मैं तेरे जिस्म में बदरूह बन के घुस जाऊंगी, फिर तो जमीन में, आसमान में, पत्थरों पर चिल्लाता फिरता रहेगा।
तेरी उम्र क्या है? अभी तो मेरी उम्र 30 साल की है। अब तो तू पैदा भी नहीं हुआ है। मेरी उम्र तो 150 साल की है। 150 साल की? अब जाओ और बेकार वक्त खराब ना करो, ले जाओ इसे और दूल्हा बनाकर ले आओ, जाओ। चल मेरे शेरे आदमजाद। मेरे सराय दरवेश, इस 150 साल की मेरी होने वाली बीवी से मुझे बचा ले, बचा ले सराय दरवेश, बचा ले मुझे। खुल जाए चश्मे दफीना, खुल जा। क्या हुक्म है मेरे आका? ये बताए मासूम परी, अब मेरे खजानाए सुलेमानी के उन 4 ऊंटों का क्या होगा? जब से मैं खजानाए सुलेमानी लेकर चला हूं, हालात से परेशान और अपनी जिंदगी से बेजार हो गया हूं। मुझे अगर अपने वतन रेगिस्तान में पानी लाने की नेक नियति नहीं होती तो मैं सब दौलत छोड़कर अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजार देता। अल्लाह के बंदों की खिदमत करना भी अल्लाह की इबादत के बराबर है। नेक नियत सहराई दरवेश, तेरे 21 साल के वजीफे के बाद तुझे मददगार जिन ने कहा था कि बेशुमार दौलत बेहिसाब मुसीबतें लेकर आएगी, मगर तूने मददगार जिन की बात नहीं मानी। तू अपने फैसले पर अटल रहा क्योंकि तेरा मकसद नेक था और एक ही मकसद था कि किसी तरह खुदा की मखलूक को, इंसानों, हैवानों और परिंदों को पानी मिले। सदियों से बांझ पड़ी जमीन पेड़ पौधे उगाकर अपनी कोख को हरी बनाए, इतने अजीम मकसद की ए अजीम इंसान ना घबरा। तेरी नेक नियत कामयाबी के लिए तो फरिश्ते भी अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। तू मुसीबत और सब्र के हर इम्तिहान में कामयाब हुआ है। अब अगर तूने हिम्मत हार दी तो नाकाम हो जाएगा, कामयाब नहीं होगा। कामयाब नहीं होगा? हाँ मेरे आका, बस देख पर्दे गैब से क्या जाहिर होता है। हिम्मत रख, अल्लाह को पुकार। तेरा शुक्रिया है मेरी नन्ही मुन्नी मासूम परी, अब तुझे इजाजत है। शुक्रिया मेरे आका। या अल्लाह तेरा शुक्र है, एहसान है कि तूने मुझे सब्र और हिम्मत अता की है। अब मंजिल थोड़ी दूर है, मुझे और सब्र की ताकत अता कर, इन नासाजगार हालात को बर्दाश्त करने की हिम्मत अता कर। मेरे अल्लाह, मेरा वो खजाना सुलेमानी मुझे वापस मिल जाए। इस शादी से खुश होना मेरे आदमजाद दामाद। मैं तेरी बेटी से शादी करके बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे बाप बादशाह, ये सारा खजाना तो तेरा ही है, ये सब तेरा है, मगर तेरा ये दामाद चाहता है कि शादी के खुशी में मैं अपने हाथों से तुम सबको एक बेहतरीन तोहफा पेश करूं। पेश करो ऐ फरजंदे वफादार, पेश करो। अभी लाया। दरवेश ने कहा था कि अगर तिलिस्मी नकाब को कोई भी नापाक पहन लेगा तो वो बुत बन जाएगा। इन शैतानों से बचने के लिए वही नकाब मुझे इनके चेहरों पर पहनना होगा। लो ये सब तुम लोग अपने अपने चेहरों पर पहन लो। हाँ तुम भी लो, ये लो मेरी खूबसूरत बीवी और मेरे खुसर बाप, ये तुम लो और ये तुम लोग भी लो। लो सब अपने अपने चेहरों पर लगा लो, ये सब सोने के बने हुए हैं। हाँ सब सोने के बने हुए हैं। इसे पहनकर तुम लोग खूबसूरत से और खूबसूरत बन जाओगे। हाँ
बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। पहन लो अपने अपने चेहरे पर पहन लो। आए थे जमाल को अपना दामाद बनाने के लिए, इस जमाल को। आ जाओ मेरे ऊँटो। तेरा शुक्र है मेरे रब कि तूने खजाना ए सुलेमानी को वापस यहां तक भेज दिया है। तू क्या समझता है कि तेरी दुआओं की वजह से खजाना ए सुलेमानी वापस मिला है? नहीं, ये तेरी दुआओं की वजह से नहीं, मेरी चालाकी और होशियारी की वजह से वापस आए हैं ये खजाना ए सुलेमानी क्यों, समझे तुम? अबला वो डिबिया, वो तिलिस्मी डिबिया मुझे दे दे। नहीं जमाल, वो तिलिस्मी डिबिया तुम मुझसे मत मांग, तुझे नुकसान पहुंचेगा। क्यों? अरे नुकसान पहुंचेगा तो मुझे पहुंचेगा, तुम्हें तो नहीं। ला मुझे दे दे। नहीं जमाल, वो डिबिया मैं तुझे नहीं दूंगा। ठीक है, अगर तू नहीं देना चाहता है तो कोई बात नहीं, आज के बाद मैं तुझसे वो डिबिया कभी नहीं मांगूंगा, कभी नहीं। शाबाश मेरे बेटे जमाल, मैं बहुत खुश हूं कि तूने आज पहली बार मेरा कहना माना। आओ जमाल, सफर पर चले आओ। खुल जा डिबिया, खुल जा, खुल डिबिया, खुल जा, खुल जा डिबिया, डिबिया खुल जा, खुल जा।
क्या है बता मुझे। नहीं बताऊंगा जमाल, नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा तू? नहीं बताऊंगा जमाल। मैं अभी तुझे बताता हूँ। नहीं, नहीं। अभी तुझे बताता हूँ कि मैं तेरा क्या करूंगा जमाल। जिससे तू मजबूर होकर इस डिबिया के खुलने का राज बताएगा। ए मेरे हम सफर सहराई दरवेश, तेरा मेरा सफर अब यही खत्म होता है। अब मैं तुझे यही कत्ल कर दूंगा और इन चार ऊंटों को लेकर मैं अपने वतन मिस्र को रवाना हो जाऊंगा। और तू यही तड़प तड़प कर मर जाएगा, समझा? नहीं जमाल, मैं नहीं मरूंगा। जब तक मेरी आरजू पूरी नहीं होगी मैं नहीं मरूंगा। ए बेजमीर बेईमान इंसान, एहसान फरामोश इंसान फिर भी अच्छा होता है। एहसान फरामोश का मतलब होता है एहसान भूल जाने वाला। भूल जाने वाले इंसान को एहसान कभी याद भी आ सकता है, लेकिन तू तू एक एहसान नाश नाश है। तू ये जानता नहीं कि एहसान क्या होता है। ऐसा इंसान जालिम दरिंदे से भी खतरनाक होता है जमाल। अब तू ये जान गया ना कि मैं दरिंदा भेड़िया हूं। अब तू जल्दी जल्दी से इस तिलस्मी डिबिया के खुलने का राज बता मुझे, बता। नहीं जमाल, ये राज मैं तुझे नहीं बताऊंगा। तू पछताएगा, तू बर्बाद हो जाएगा जमाल। जमाल, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूं। तू ये चारों ऊंट मुझे वापस कर दे। जमाल, ये दौलत अमानत है उन इंसानों की, प्यासे इंसानों की, हैवानों की, परिंदों की अमानत है, पेड़ पौधे फल फूलों की अमानत है। जमाल, ये दौलत उस रेगिस्तान में आने वाली जिंदगी के ख्वाबों की ताबीरें है। जमाल, उस रेगिस्तान के लिए दौलत मुझे दे दे, मुझे दे दे जमाल। रेगिस्तान में पानी आए ना आए तुझे उससे क्या? लोग प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान दे दे, तुझे उससे क्या? हाँ, मैंने प्यास से तड़प तड़प कर मरते हुए अपने माँ बाप छोटी बहन की लाशों से वादा किया था कि उस मौत के रेगिस्तान में पानी की शक्ल में जिंदगी लेकर आऊंगा। फिर कोई मेरे माँ बाप भाई बहन की तरह प्यासा नहीं मरेगा। जमाल, ये दौलत तुम मुझे देकर नेक काम करने दो। ये काम तेरा नहीं, खुदा का है, खुदा का। और खुदा अपना काम खुद बखुद करेगा, क्योंकि उसने दुनिया बनाई है। तुझे नहर पानी इंसान पेड़ पौधे परिंदे हमारों से लेना देना क्या है? इसलिए अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी कि दुनिया के सब मखलूक जानदारों में इंसान का दर्जा सबसे बड़ा है। और सबकी खिदमत करने के लिए ही उसने इंसान को पैदा किया। खुदा की इबादत के लिए तो फरिश्ते बहुत थे, मगर खिदमत खल्क के लिए अच्छाई बुराई नेकी बदी हक और बातिल की लड़ाई में अच्छाई और नेकी और हक का साथ देने के लिए इंसान को पैदा किया। इंसान का फर्ज है कि वो अल्लाह के हुक्म को माने। तू लालच ना कर, जुल्म ना कर, अल्लाह से डर जमाल, अल्लाह से डर। अल्लाह से डरूंगा तो दौलतमंद कैसे बनूंगा? हाँ, दौलतमंद कैसे बनूंगा? अब जल्दी से इस डिबिया का राज बता दे, वरना इस खंजर से तुझे कत्ल कर दूंगा। बता। बताता हूँ, हाथ छोड़ बताता हूँ। ये तिलिस्मी डिबिया कैसे खुलती है इसका राज बता। बोल, इस तिलिस्मी डिबिया को क्या बोलूं? इस डिबिया से बोल, खुल जा चश्मे दफीना, खुल जा, तीन बार बोल, खुल जाए चश्मे दफीना, खुल जाए चश्मे दफीना,
खुल जाए चश्मे दफीना। बताए तिलिस्मी परी, इस तिलिस्मी डिबिया का राज क्या है? ए दौलत के लालची गुलाम, इंसान नुमा शैतान, तू मेरा आका नहीं। मेरे आका सिर्फ नेक दिल फरिश्ता सीरत सहराई दरवेश हैं। मैं सिर्फ उनके सवाल का जवाब दूंगी। ए मेरी नन्नी मुन्नी मासूम परी, इस जालिम का खंजर मेरे खून का प्यासा है। मैं तो वो राज जानता हूँ, अब तू इस लालची इंसान को वो राज बता दे मासूम परी, बता दे। सुन ए संदिल बेदीन बेईमान, इस तिलिस्मी डिबिया का राज ये है कि ये चश्मे दफीना है। जमीन में दफन छुपे हुए सब खजाने नजर आ सकते हैं। कैसे कैसे नजर आ सकते हैं? इससे नजर आ सकते हैं, इस सुरमेदानी में सुरमई सुलेमानी है, इसे कैसे लगाना है मेरे मोहतरम आका सहराई दरवेश से पूछ। बता, अब जल्दी बता दरवेश, अब जल्दी बता इस सुरमे को कैसे लगाते हैं? इस सुरमे को एक बार में एक ही आंख में लगाना, दाई तरफ, बाई आंख में मत लगाना जमाल, दोनों आंखों में मत लगाना जमाल, सिर्फ दाई आंख में लगाना जमाल, दाई आंख में। शुमार दौलत, इतने हीरे जवाहरात के खजाने, इतनी दौलत, ये चार ओट तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। इस सुर में सुलेमानी को लगाने के बाद जमीन में दफन छुपे हुए सब खजाने नजर आ रहे हैं, हीरे मोतियों के बहते हुए दरिया नजर आ रहे हैं। मैं समझ गया, चालाक मक्कार दरवेश, आज तक तुम मुझसे इस सुर में सुलेमानी को क्यों छुपाता रहा, मुझे धोखा देता रहा? मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, मैं तुझे बदला लूंगा, जबरदस्त बदला लूंगा। मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा तेरी आंखें, ताकि तू ये खजाना ही नहीं देख सके। और अब मैं ये सुरमा अपनी दूसरी आंख में भी लगाकर देखूंगा और क्या क्या नजर आता है और कितने खजाने हैं। नहीं जमाल, नहीं जमाल, दूसरी आंख में सुरमा मत लगाना जमाल, खामोश, लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा। नहीं जमाल, वरना तू पछताएगा। उस परी ने तुझे दूसरी आंख में सुरमा लगाने से मना किया था, याद है ना जो उस परी ने कहा था जमाल? याद है, तुम और परी दोनों मिले हुए हो, तुम नहीं चाहते मैं दूसरी आंख में सुरमा लगाकर और ढेर सारे खजानों का पता मालूम कर सकूं। जमाल, चुप रहो दरवेश। जमाल, खामोश, जमाल, जमाल, दूसरी आंख में मत लगाना जमाल। खामोश हासिद दरवेश, मैं जानता हूं कि तू नहीं चाहता कि मैं दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान बन सकूं। जमाल, चुप, मैं अभी ये सुरमा लगाकर तुझसे बदला लूंगा, तेरी आंखें फोड़ दूंगा, समझा? जमाल, तेरी आंखें फोड़ दूंगा। जमाल, जमाल मत लगा जमाल। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आंखें चल रही है, मेरे आंखों में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है, मैं अंधा हो गया, मैं अंधा हो गया हूँ, मैं अंधा हो गया हूँ, मैं, मुझे
मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दरवेश, मेरे आका, मुझे बचा ले मेरे आका, मुझे बचा ले। जमाल, मुझे बचा ले। जब मैं तुझे बचाना चाहता था तब तू बचा नहीं, तू माना नहीं। बोला ले तुझे बार बार संभलने का मौका दिया लेकिन तू नहीं संभला। जमाल, अब संभलूंगा, अब मैं संभल जाऊंगा। मुझे बचा ले दरवेश, मुझे बचा ले। नहीं जमाल, अब आका और गुलाम कोई तुझे नहीं बचा सकता। लालची इंसान, अब संभलने का क्या फायदा जब सब कुछ चला गया है। झूठ, मक्कारी और धोखे से परेब से हासिल की हुई दौलत का यही अंजाम होता है। जमाल, जो तूने अपने माँ बाप बीवी और मेरे साथ जुल्म किए थे उसकी सजा खुदा ने तुझे दे दी। अब तुझे ये सजा अकेले झेलनी होगी। अब तो तुझे यकीन आ गया जमाल कि अच्छे कामों का अच्छा ही अंजाम होता है और बुरे कामों का अंजाम एक दिन बुरा ही होता है। मुझे बचा ले दरवेश, खुदा के वास्ते मुझे बचा ले। अब मैं उनका सब कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसे तेरी बात मानूंगा दरवेश। जमाल, मुझे माफ करना। जमाल, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। खुदा हाफिज जमाल। मेरी आंखें मैं अंधा हो गया। इस तरह से मैं अंधा हो गया। अपने जुर्म और गुनाह की चलती फिरती जिंदा तस्वीर बन गया मैं। दुनिया को नसीहत देने वाली सच्ची कहानी है तुम्हारी। बहुत ही इबरतनाक अंजाम है तुम्हारा। ऐ नाबीना फकीर, क्या तुझे याद है कि इस दर्दनाक अंजाम की इब्तिदा कहां से हुई थी? याद है अमीरुल मोमिनीन, मेरी बर्बादी की इब्तिदा मेरे बुरे दोस्तों से हुई थी। बुरे दोस्तों की सहबत में बुरी औरतों से दोस्ती हुई। फिर शराब खाने और जुए खाने में पहले दोस्तों की खुशी के लिए जाता रहा, फिर आदत हो गई। बुरे दोस्तों की दी हुई आदतों ने ही उससे माँ बाप पर जुल्म करवाए, उन्हें खूब सताया, बीवी को तलाक दिलवाई। ये सब उन्हीं गुनाहों की सजा है। शराब, औरत और जुए की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझ जैसा शरीफ खानदान का बेटा चोर दौलत का लालची बन गया और सहराई दरवेश जैसी नेक हस्ती को धोखा देता रहा। फिर कभी सहराई दरवेश से मिले? नहीं, वो सहराई दरवेश तो नहीं मिले, लेकिन सहरा में बहता हुआ उनका नेकी का दरिया जरूर मिला। बहुत जमाने के बाद एक दिन प्यास से तड़पता हुआ जब मैं उस दरिया पर पानी पीने पहुंचा तो मालूम हुआ उसी नेक दिल सहराई दरवेश का बनाया हुआ दरिया है। जो पहले नहर था अब दरिया बन गया है। ऐ नाबीना फकीर, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? तू अगर चाहे तो हमारे शाही लंगर खाने से जिंदगी भर खाना खा सकता है। ना, नहीं है अमीरुल मोमिनीन, नहीं। मैं मार खाकर ही खाना खाऊंगा, मार खाकर ही खाना खाऊंगा। हाँ, क्यों? अल्लाह ने तो मुझे सजा दी है, अल्लाह का फरमान है और अल्लाह के आखिरी नबी रसूल पाक ने भी फरमाया है, जो नाफरमान औलाद अपने माँ बाप का दिल दुखाएगी, उन पर जुल्म करेगी, उस नाफरमान औलाद को मरने से पहले इसी दुनिया में अल्लाह सजा देगा। जो कुछ मैंने जुर्म किया है उसके मुकाबले में मेरी ये सजा मुझे कम नजर आती है। इसीलिए
इसीलिए मैं अपने उस जिस्म पर कोड़े लगवाता हूं जिस जिस्म के ऐशो आराम के लिए उसके गुनाहों के लिए मैंने मां बाप अपनी बीवी और शरीफ इंसानों पर जुल्म किए हैं इसीलिए मैं कोड़े लगवाता हूं इसीलिए मैं अपने जिस्म पर कोड़े लगवाता हूं अल्लाहू 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 अल्लाहू। बेगम आलिया जुबेदा, अंधे फकीर जमाल की कहानी सुनी आपने? हाँ सुनी हुजूर, हकीकत कितनी डरावनी और सच्चाई कितनी कड़वी होती है। ये अंधे फकीर जमाल को देखकर और उसकी कहानी को सुनकर एहसास हुआ, कभी कभी इंसान की जरा सी गलती उसे तमाशा बनाकर चौराहे पर खड़ा कर देती है। आपका क्या ख्याल है, इन सब बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ जमाल है? नहीं हुजूर आली, जमाल नहीं, इस बर्बादी का जिम्मेदार एक हद तक उसके माँ बाप भी हो सकते हैं। माँ बाप कैसे? माँ बाप कब चाहेंगे कि उनकी औलाद बिगड़कर बर्बाद हो जाए? जब माँ बाप अपनी औलाद की जरा जरा सी बुरी आदतों का ध्यान नहीं रखेंगे, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज नहीं सिखाएंगे, उन्हें नसीहत नहीं करेंगे, तो यही छोटी छोटी बुरी आदतें एक दिन जिंदगी में चलकर बड़ी बड़ी बुरी आदतें बन जाती हैं। मगर हुजूर आली, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि औलाद अपने हर बुरे काम की जिम्मेदारी अपने माँ बाप पर डालकर खुद को बेकसूर साबित करे। असल मुजरिम तो वो औलाद खुद है जिसने होश संभालने के बाद खुद अच्छा बनने की कोशिश ही नहीं की। बाबा सुभान अल्लाह माशाल्लाह, क्या जहन पाया है आपने। हमारी आला दिमाग बेगम आलिया जुबेदा, हमें फक्र है कि हमारी बेगम बहुत सी बातों में हमसे भी ज्यादा अक्लमंद है। जाइए हुजूर, आपके गश्त पर जाने का वक्त हो चला है। शुक्रिया बेगम, देखते हैं आज हमारी किस्मत में किस कहानी का नाम लिखा हुआ है, कौन मिलता है। जो भी मिलेगा ये यकीनन उसकी किस्मत होगी, यही किस्मत है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुस्ताखे मुआफ हुजूर आले मुकाम, सुबह से आधी रात तक हुजूर को आराम नहीं मिलता, तमाम दिन दरबार और शाही मसरूफियात में वक्त सर्फ हो जाता है। अगर हुजूर को नागवार खातिर ना हो तो यह गुलाम यह अर्ज करना चाहता है कि आज आप आराम फरमाएं, और आज आपकी जगह यह गुलाम भेस बदलकर गश्त पर चला जाए और सुबह हुजूर की खिदमत में सब हालात पेश कर दे, क्योंकि आज आप बहुत थक चुके हैं। शुक्रिया है वजीरे बातदबीर, हमारे आराम का आपको इस कदर ख्याल है, इस ख्याल से ही हमारी सारी थकान दूर हो गई। और फिर जब अल्लाह ने तंदुरुस्ती अता की है, हाथ पैरों में ताकत दी है, तो फिर ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के बंदों की खिदमत करनी चाहिए। और फिर जब एक दिन हाथ पर बेकार हो जाएंगे या फिर कब्र की आगोश में सो जाएंगे तो फिर आराम ही आराम है। अल्लाह आपकी तंदुरुस्ती और ताकत को सलामत रखे। आमीन। What's up?
पिशाच, डायन, शैतान, कमीनी, अत्रू, मत पिशाच, शैतान, डायन, कमीनी, धोखेबाज, मत पिशाच, कमीनी, पिशाच, धोखेबाज, अत्रू, मत पिशाच, शैतान, डायन, कमीनी, बदतमीज, धोखेबाज, अत्रू, डायन, बदतमीज, पिशाच, कमीनी, शैतान, बदरू, बदमिजाज।